लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सरकार हमारी बात सुने ये अपेक्षा थी, नहीं सुन रहे करके तो कल हम सिडको का घेराव कर रहे हैं। जिस सिडको ने अन्यायकारी रिजोल्यूशन पास किया है उस सिडको के सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर को घेराव करने का हमने तय किया है। जिसम में ताकत होगी उतनी ताकत के साथ में हम दीपा पाटिल जी का नाम देने के लिए अपना पूरा जी जान लगाएंगे। नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे की बजाय लोक नेता दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, इसके लिए नई मुंबई, रायगढ़ और थाने के प्रकल्पग्रस्त आग्रह कर रहे हैं। लगातार इसकी मांग चल रही है लेकिन राज्य सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है और बाला साहब ठाकरे का नाम देना चाहती है और इसीलिए प्रकल्पग्रस्तों का आंदोलन 24 तारीख को सिडको का घेराव करने के साथ होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ लोक नेता दीपा पाटिल, नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वपक्षीय कृति समिति के कार्याध्यक्ष और बीजेपी के विधायक प्रशांत ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, क्या ऐसी इतना इम्पोर्टेंट आप क्यों मान रहे हैं कि दीपा पाटिल साहब का ही नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया जाना चाहिए जबकि राज्य सरकार इसके खिलाफ जा रही है? सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि 2008 से दीपा पाटिल जी का नाम देना चाहिए ये हमने मांग शुरू की थी। बाला साहब का नाम देने की डिमांड किसी ने नहीं की, सिर्फ मिनिस्टर ने की और मिनिस्टर चूँकि यूडी मिनिस्टर है उनका सुनकर सिडको ने रिजोल्यूशन पास किया। तो दीपा पाटिल जी का नाम देना चाहिए इसका सरकार विरोध कर रही है, हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। और ये डिमांड हम इसके लिए कर रहे हैं कि दीपा पाटिल जी उनका नाम हम सिंधुदुर्ग में चिपी एयरपोर्ट हो रहा है उसको देने की मांग नहीं कर सकते, हम नहीं समझते कि वो ठीक होगी। हम नासिक में, नागपुर में, पुणे में या और किसी जगह पे उनका नाम देने की बात नहीं करते। दीपा पाटिल जी जहाँ पे जन्मे, दीपा पाटिल जी ने अपना लहू जहाँ पर बहाया हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए संघर्ष किया हुआ है, उस ज़मीन को, उस ज़मीन पे होने वाले प्रोजेक्ट को उनका नाम दो, ये डिमांड है, क्या गलत है इसमें? सर, राज्य सरकार जिस तरह से इसको डिरेल करना चाहती है आंदोलन को, वो आपको कितना राजनीतिक साजिश लग रहा है कि जानबूझ के प्रकल्पग्रस्तों का ये अपमान है? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस आंदोलन के साथ रवैया रख रहे हैं ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री का रवैया नहीं है, ये एक पार्टी के प्रमुख का रवैया है जिसको मुख्यमंत्री पद मिला हुआ है। तो अगर इस तरीके से जनता की भावनाओं के साथ में वो खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा और बढ़कर आगे आ जाएगा। हम अपने पूरी ताकत को लगाकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जनता किसी भी तरीके से कानून को हाथ में ना ले, पर अगर सरकार इसको हमारी बेबसी समझेगी, सरकार इसको हमारी विवशता समझेगी तो कहीं ना कहीं और उसके रिएक्शन और तेज़ आ सकते हैं। कल 24 जून है, दीपा पाटिल जी का स्मृति दिन है, उनको अभिवादन करने के लिए उनका नाम लेकर हमने जो ये सर्वपक्षीय कृति समिति के माध्यम से हमने जो पहल की है इसको, इसकी मांग को स्वीकार करके सरकार हमारी बात सुने ये अपेक्षा थी, नहीं सुन रहे करके तो कल हम सिडको का घेराव कर रहे हैं। एक प्रयास प्रकल्पग्रस्तों की तरफ से हुआ और सरकार ने इसके सुनने की कोशिश की और एक बैठक भी हुई थी, लेकिन बैठक में जो जानकारी है कि उसमें जिस तरह से सीएम का रवैया था वो बिल्कुल एरोगेंट था और वो प्रकल्पग्रस्तों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। क्या ये एक मुख्यमंत्री के लिए ठीक था या ये संवैधानिक एक तरह से अपमान कहा जा सकता है कि जब प्रकल्पग्रस्तों की जन भावनाओं का अपमान किया गया? जो हमारा जनतंत्र है, इस जनतंत्र में राज्य के सभी लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पर आकर कह दे कि सिडको ने जो निर्णय लिया अब इसमें चेंज करने की बात मत करो, कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से बाला साहब का नाम बदलने के लिए आप बोलोगे तो लोग शिव सैनिक रास्ते पर उतर आएंगे, ये भाषा अगर राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं उस राज्य का क्या होगा पता नहीं।
सर, अब चूंकि 24 तारीख को आंदोलन तय हो गया है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार और पुलिस तमाम तरह की कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को रोक दिया जाए, ऐसे में आपकी भूमिका क्या? ऐसा है कि जनता की भावना तो तीव्र है, जनता आज नहीं 2008 से जो डिमांड कर रही है वो जनता की मांग को कुचलने की कोशिश सरकार करेगी तो उतनी ही ताकत से उसका रिएक्शन आएगा। हम कोशिश करेंगे, कल का 24 तारीख का हमने पुलिस को आश्वासन दिया है, हम कोई भी हिंसा नहीं होने देंगे, जिम्मेवारी हमने ली है और ये जिम्मेवारी के साथ कल का आंदोलन होगा। अगर कल के आंदोलन के बाद भी सरकार अगर टस से मस नहीं हुई, हमारी डिमांड सुनने को, उसके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुई तो आगे क्या होगा तय कर लेंगे। जो पुलिस ने जो रूट दिया था, चूंकि ये इसका प्रमुख जो अब सेंटर था वो सिडको का घेराव करने की तैयारी थी, लेकिन ऐसी जानकारी है कि पुलिस जो है सिडको तक पहुंचने नहीं देना चाहती, ऐसे में आपका आंदोलन कहां से होगा? नहीं, ऐसा है कि सिडको भवन का घेराव हमने तय कर लिया, जिस सिडको ने ये अन्यायकारी रिजोल्यूशन पास किया है उस सिडको के सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर को घेराव करने का हमने तय किया है। अगर पुलिस हमको रोकेगी हम आएंगे, जहाँ जहाँ से रास्ता मिल सकता है वहाँ से आएंगे और जहाँ तक पुलिस हमें रोकती है वहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ रोकेगी हम लोग वहीं पे लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, दीपा पाटिल साहब उस दौर से संघर्ष कर रहे हैं प्रकल्पग्रस्तों के लिए, नई मुंबई और रायगढ़ पनवेल के, जो पूरे महाराष्ट्र के प्रकल्पग्रस्तों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब नई पीढ़ी सामने आ गई है जिन्होंने दीपा पाटिल साहब को उतना संघर्ष करते हुए नहीं देखा, इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर उनकी ऐसी भावना है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का ही नाम दिया जाना चाहिए, आपके साथ युवाओं का जुड़ाव किस तरह का है? नहीं, मेरे साथ नहीं, युवाओं का जुड़ाव दीपा पाटिल जी के साथ में है। जिस तरीके की राजनीति हम आज के समय में देखते हैं, इस राजनीति में अपने उसूलों के लिए अड़े रहना, कायम रहना, ये बहुत कम लोग करते हैं। दीपा पाटिल जी को लोगों ने देखा है कि एक बार उन्होंने कोई चीज़ करने की ठान ली तो उसके लिए वो आखिरी दम तक उसके लिए लड़ते रहेंगे। उम्र के 87 साल की उम्र में जेएनपीटी के पीएपीस के लिए वो रास्ते पर आए, एम्बुलेंस में बैठ के आए अगर वो नहीं आ सकते थे, ये जज्बा है। तो ये जज्बा लोगों ने देखा नहीं होगा, पर लोगों के मन में ये जो यादें हैं अपने पूर्वजों ने बताई हुई, अपने पहले वाली पीढ़ी ने बताई हुई, उसको लेकर उनके मन में ये भावना है कि जिसने हमारे लिए इतना त्याग किया हम उसके लिए अपनी ओर से पूरा ताकत लगा देंगे, जितनी जिसम में ताकत होगी उतनी ताकत के साथ में हम दीपा पाटिल जी का नाम देने के लिए अपना पूरा जी जान लगाएंगे। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि सर्वपक्षीय कृति समिति के कार्याध्यक्ष प्रशांत ठाकुर साहब कह रहे थे कि सरकार और पुलिस चाहे जितनी भी कोशिश करे, लेकिन नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिलाने के लिए जो प्रयास और जो आंदोलन है आगे भी जारी रखेगा, अगर दबाव की रणनीति या दमन की रणनीति सरकार या पुलिस ने अपनाई तो इसका नतीजा भयावह हो सकता है। कैमरामैन रविचंद के साथ में सुधीर शर्मा, टीवी इंडिया, नई मुंबई।